खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावद, महेश्वर, बड़वाह, सनावद, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। खरगोन शहर सीमा से लगे प्रेमनगर क्षेत्र में एक टैंकर अचानक पलटी खाने के बाद आग पकड़ ली। हादसे के चलते क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय रोड और ज्यादा चहल पहल नहीं थी, अन्यथा बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि समय रहते चालक टैंकर से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। सूचना पर पहुंचे फायर फाइटर ने पानी जा छिड़काव कर आग पर काबू पाया। टैंकर सेल्दा पावर प्लांट जा रहा था। टैंकर में कोई केमिकल न हो, इस आशंका में पुलिस ने क्षेत्र में कुछ देर के लिए आवाजाही रोक दी। चालक तेरसिल ने बताया वह बदनावर से सेल्दा जा रहा था। इसी दौरान प्रेमनगर के समीप अचानक बाइक सवार के आने से वह संतुलन खो बैठा और वाहन पलटने के बाद उसमें आग लग गई। चालक के मुताबिक टैंकर में प्लांट से निकलने वाली राख भरी जाती है। खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। ये जो सीमेंट और जो राख आती है बेड़िया प्लांट से आती है, ये टैंकर नहीं है, मतलब राख का टैंकर है और ये खाली जा रहा था, ये पलट गया दुर्घटना होकर के। इसमें जो दुर्घटना के कारण आग लगी है, इस पर नियंत्रण किया जा रहा है और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं फायर विभाग और सभी की तरफ से। कहाँ पे आग लगी? जैसे डीजल टैंकर जल रहा है, डीजल का जो टैंक है उसका, उसमें आग लगी हुई है वाहन में, उसमें आग लगी है। कोई जनहानि वगैरह हुई है? नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई है, ड्राइवर वगैरह सुरक्षित है। ड्राइवर नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं, अभी जांच की जा रही है, जो भी होगा उसमें आगे देखा जाएगा। सब प्रकार की एहतियात रखी गई सर, आवाजाही रोक दी है, आवाजाही दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया है और फायर फाइटर भी लगा हुआ है, एसडीआरएफ की टीम भी आ रही है और एहतियात जो है दुर्घटना के सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।